हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और सीवर का पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। कृपया इस समस्या का सलूशन जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए। तो मेरी भतीजी 4 दिन से एडमिट है, 6 महीने की बच्ची, उसको इतने कैनुला ऑलरेडी लग चुके हैं कि हम परेशान हो गए हैं और इस चीज का समाधान नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, बिकॉज कहा जाता है ना जल ही जीवन है। अगर जल ही इतना प्रदूषित है, कोई कैसे सोचेगा कि आगे की बच्चे या बड़े या बूढ़े कोई भी किसी भी एज ग्रुप में वो चीज वो लोग सही रह सकते हैं। हम सेक्टर 10A का एक अभिन्न हिस्सा है और उस छोटे हिस्से के साथ, जबकि उस हिस्से ने पार्षद बनने में, MP बनने में, MLA बनने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, निर्णायक योगदान दिया है। आज हमारे साथ ऐसी बेरुखी क्यों? हम MCC से पूछना चाहते हैं, हम MCG कमीशन से पूछना चाहते हैं और MLA पार्षद MP जितने भी हैं सबसे पूछना चाहते हैं, सबके जवाब देंगे। मतलब ये है कि जितनी जल्दी इनकी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जब हम पिछले 15 दिन से ये पानी का सीवर का प्रॉब्लम पानी में मिक्स ड्रिंकिंग वाटर से मिक्स हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, सब लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत परेशानी हो रहा है हम लोगों को बाहर से पानी दे। हाउसिंग बोर्ड इस वक्त एक समस्या से ग्रस्त है, ये महामारी का रूप ले चुका है, हर घर से हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमार है। कृपया प्रशासन इस पर इमीडिएट एक्शन ले, वरना हमारे पास धरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 10A में पानी बहुत गंदा आ रहा है कई दिनों से, इसका जल्दी जल्दी हल किया जाए। 10A हाउसिंग बोर्ड, गंदे पानी की सप्लाई जो चल रही है 15 दिन से, उससे हमारे रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा बीमार हैं और MGC से रिक्वेस्ट है कि इसका जल्दी से समाधान किया जाए। समस्या तो हमारे सभी साथी बता ही रहे हैं, पर इस पर तुरंत एक्शन की रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि MCG कमिश्नर या DC या जिसके भी संज्ञान में काम आता है तुरंत इस पर कार्रवाई की। हमारे लोग बच सक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 10A में पानी की दूषित समस्या पिछले 15 दिनों से चल रही है। इसमें हमारे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निवारण किया जाए। धन्यवाद। पिछले 15 दिनों से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 10A में दूषित पेयजल की समस्या है, जिसके ऊपर संबंधित विभागों को ऑनलाइन कंप्लेंट्स और रिटर्न कंप्लेंट्स दे चुके हैं हम सभी। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। 15 दिनों से जो हमारी पानी की समस्या है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर, वो इस समय कार्य भी हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब महामारी की तरफ ही जाने वाली है, काफ़ी लोग बीमार हैं। तो हमारा प्रशासन से यह रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और हमें राहत दी जाए, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कोई और दिक्कत परेशानी हो जाए या यहाँ के निवासी कोई और कदम उठाने में मजबूर हो जाए, तो प्लीज़ इससे पहले आप राहत प्रदान कीजिएगा। ये है, ये देखिए, ये पानी पीने के लिए हम लोग यहाँ मजबूर हैं, या तो हम बिस्लरी का पानी खरीदें या ये गंदा पानी पिएं। क्या इसको पीने के बाद हम लोग ठीक ठाक रहेंगे? हमारी साफ सफाई कैसी रहेंगी, ये बताइए। लेकिन प्रशासन MGC बिल्कुल सो रहा है, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग। सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, यहाँ पे मेरे घर लगभग सब बीमार हैं, पूरी कॉलोनी में पानी दूषित बहुत आ रहा है, तो कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और सीवर का पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। कृपया इस समस्या का सलूशन जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए, तो कोई बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है हम लोगों को। सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड से, हमारे प्रशासन से ये अनुरोध है कि हम जिस समस्या से गुजर रहे हैं उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, वरना बहुत ही बड़ी घटना हो सकती है। कृपया करके इस प्रॉब्लम को प्लीज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, ताकि जो लोग बीमार हैं, जो लोग बीमारी की तरफ बढ़ सकते हैं, उस चीज को एटलीस्ट हम रोक सके। जितना नुकसान हो चुका है ठीक है, बट आगे के लिए प्लीज जल्दी एक्शन लिया जाए। सेक्टर 10A लगभग 15 दिन से हमारे यहाँ पर सीवर का मिला हुआ गंदा पानी जो हमारे पीने वाले पानी में की लाइन में आ रहा है, जैसे ही हमारे सूचना मिली उसके तुरंत बाद हमने MCG से कांटेक्ट किया, SDO साहब से बात की, JE साहब से बात की और हम ऑफिस भी गए, वहाँ पर हमें कोई अवसर नहीं मिला और उन्होंने यही बहाना लगाया कि जी इलेक्शन चल रहा है और हम इलेक्शन की वजह से ड्यूटी पर व्यस्त हैं। फिर भी हमारा प्रेशर इतना बनाने के बावजूद SDO साहब ने टीम भेजी, 2 दिन टीम आई, एक चालू लाइन का सैंपल लेके गई और एक सिटे लाइन का सैंपल लेके गई। उन्होंने ये माना है कि यहाँ के पानी की लाइन में सीवर का मिला हुआ पानी आ रहा है
और उससे हमारे हाउसिंग बोर्ड में कम से कम हर घर से एक दो तीन बच्चे बड़े बूढ़े सभी बीमार हैं और वो हॉस्पिटलों में भर्ती हैं और करीब 15 दिन से ये परेशानी चल रही है। तो आज एक हफ्ते से हम बाहर से टैंकरों से बिस्लरी की बोतलें लाला करके अपना पैसा खर्च कर 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 यहाँ का हम गुजारा कर रहे हैं और MCG हमारा कोई भी नहीं सुन रही है, ना हमारे RWA के लेटरों को सुन रही है। हमने जॉइंट कमिश्नर मैडम के लिए लेटर लिखा था तो जेई साहब की रिसीविंग भी है, उनकी टीम की रिसीविंग भी है हमारे पास जो अभी हमने आपको दिखाया है। और मेरा तो यही मानना है कि आज हम कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं MCG, और वहाँ पे अगर कमिश्नर साहब से भी कोई समाधान नहीं निकलेगा तो हम DC साहब के पास भी जाएंगे, और उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकलेगा तो हम पे जो भी धरना देना होगा या जीने के लिए जो भी कुछ करना होगा हम वो करेंगे। ये हमने आज फैसला लिया है और इसीलिए हमारे आज हाउसिंग बोर्ड के जो बचे हुए लोग हैं, जिनके परिवारों से बीमार लोग बचे हुए वही लोग आ पाए हैं, बाकी के हमारे रेजिडेंस तो हॉस्पिटलों में अपने परिवार के साथ हैं और अपने परिवार की देख रेख कर रहे हैं। तो मेरा यही है एक आज हम DC साहब तक पहुँचेंगे। VK जौहरी, पानी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इवन MCG के लोग को बुलाया था, वो आए भी थे, ये हमारे हाथ में सैंपल भी है, ये आप देख सकते हो, ये नजल आया है, वो ताज़ा पानी जिसको हम लोग जो सीवर की बदबू आ रही है इसको हम लोग पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कितने लोगों को बीमार हैं ये कहना बड़ा मुश्किल बात है। काफ़ी इवन छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो हैं यूँ हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी परेशान हैं इस गर्मी के मौसम के अंदर, क्या किया जाए। लेकिन MCG पर कोई असर नहीं हो रहा, उनको लेटर्स भी जा चुके हैं, लोगों ने इंडिविजुअल रिपोर्ट्स भी लिखी हैं, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी भेजी हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया। आप लोग का अगला कदम क्या है, क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग आज इकट्ठे होकर के MCG जा रहे हैं, कमिश्नर से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे उनसे बात तो फिर आगे DC तक जाएंगे। ये हम लोग अभी इकट्ठे होकर यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए आज। भूपेंद्र सिंह यादव, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 10A में पिछले 30 साल से रह रहे हैं यहाँ, 94 से, और पिछले 15 दिनों से पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। रेगुलर इसमें सीवर का पानी मिक्स हो रहा है और प्रशासन को पता नहीं कितनी बार टेलीफोनिक और लिखित कंप्लेंट दे चुके हैं लेकिन MCG के अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो आज हमने मन बनाया है कि हम पहले MCG ऑफिस कमिश्नर से ही मिलेंगे और फिर DC साहब के ऑफिस भी जाएंगे और शायद हम CM साहब के पोर्टल पे भी कंप्लेंट डालेंगे, क्योंकि प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। और लगभग सारी कॉलोनी में लगभग लोग डायरिया से पीड़ित हैं, किसी को दस्त, किसी को वोमिटिंग, किसी को आज, किसी को कल, सब परेशान है बहुत बार और प्रशासन के कोई कान पे जू नहीं रेंग रही है। हाउस नंबर 1649 सेक्टर 10A गुड़गांव, हाउसिंग बोर्ड से बोल रही हूँ। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं, बच्चे बीमार हैं, जवान बूढ़े जो भी हैं सब बीमार हैं, सबको लूज मोशन और डायरिया हो रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोगों ने, हमारे हाउसिंग बोर्ड के मेम्बरों ने बहुत सारे प्रयास भी किए, ऑफिस में जा के लेटर वगैरह भी दिए लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जल्द से जल्द कोई भी अच्छी कार्रवाई की जाए ताकि पानी हमारा शुद्ध हो। मैं शशि पारा सर बोल रही हूँ, हाउस नंबर 1685 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 10A से बोल रही हूँ। और यहाँ पानी की समस्या कम से कम 15 दिन से चल रही है, सीवर का बदबूदार पानी आ रहा है और हमें मजबूरी में उस पानी से नहाना भी पड़ रहा है और पीने के लिए हमें मोल पानी मंगवा के बिस्लरी का पीना पड़ रहा है। और सबके घर में बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमार हैं, सभी को पेट में दर्द, लूज मोशन, वोमिटिंग की समस्या हो रही है और इस समस्या से हम बहुत दिनों से झेल रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कृपया करके इस समस्या का समाधान आप जल्दी से जल्दी करें। हमारे हस्बैंड ने मीटिंग मुलाकात की है लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं पाए, इसलिए आज हम आए। मेरा नाम यश रावत है, मैं इस कॉलोनी में करीब 30-32 साल से रह रहा हूँ और बाकी आपको सभी ने, मेरे सम्मानित लोगों ने बताई दिया प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रॉब्लम को मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ और जब से ये प्रॉब्लम आई है तब से हमारे कई परिवार के बच्चे अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। मेरा एक दोस्त है जो यहीं पे रहता है, उसकी बेटी इस समय जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम सारे इकट्ठे हुए, सब लोगों ने सोचा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि हम सेक्टर 10A का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उस छोटे हिस्से के साथ, जबकि उस हिस्से ने
पार्षद बनने में, एमपी बनने में, एमएलए बनने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, निर्णायक योगदान दिया है। आज हमारे साथ ऐसी बेरुखी क्यों? हम एमसीसी से पूछना चाहते हैं, हम एमसीजी कमीशन से पूछना चाहते हैं, और एमएलए पार्षद एमपी जितने भी हैं सबसे पूछना चाहते हैं, सबके जवाब देंगे। क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ गई है, तो हम सब ने एक साथ मिलकर हम कमिश्नर का घेराव भी करेंगे, और अगर हमारी बात को आज नहीं माना गया तो स्पष्ट रूप से अपने चैनल के माध्यम से कह दीजिए। हमारे बगल में जो ये रोड जा रही है, मेन रोड जो जा रही है, वहाँ का हम घेराव करके उसको हम रोड रोक देंगे, उस रोड को हम जाम कर देंगे। ये एमसीजी कानून में बात जानी चाहिए, क्योंकि अब जिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोगों को उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज अगर हो सके तो आज हमारे साथ हमारे पार्षद जी ने, आज हमारे एमएलए एमपी जो ने हमारे साथ होना चाहिए था, हमारे साथ वहाँ चलना चाहिए था, लेकिन स्थिति अब ऐसी आ गई है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हम अपने आरडब्ल्यू के सपोर्ट के साथ, यहाँ पे सम्मानित लोगों के सपोर्ट के साथ आज एमसीजी का घेराव करने जा रहे हैं। अभी तो चलो ज्ञापन देंगे, लेकिन अगर स्थिति आ गई तो हमें और भी कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रशासन से, प्रशासन के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया हमारी बात को सुना जाए, और जो एक महामारी का रूप ले चुकी है हमारी कॉलोनी, उसके निर्माण के लिए तुरंत व्यवस्था करके और यहाँ पर अपनी टीम भेज के सबको राहत दी जाए। धन्यवाद जी। दिव्या यादव फ्रॉम दिस हाउस नंबर 1607 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 10 है। जैसा कि पता चला है, ये मेरा एक तो मायका है, हम यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, बट मेरी भतीजी 4 दिन से एडमिट है, 6 महीने की बच्ची, उसको इतने कैनुला ऑलरेडी लग चुके हैं कि हम परेशान हो गए हैं। भाई भाभी ऑलरेडी हॉस्पिटल में है उसके साथ पूरे 24 घंटे, और इस चीज का समाधान नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है, बिकॉज कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। अगर जल ही इतना प्रदूषित है, कोई कैसे सोचेगा कि आगे की बच्चे या बड़े या बूढ़े कोई भी किसी भी एज ग्रुप में वो चीज, वो लोग सही रह सकते हैं। और अगर हम ऑलरेडी इतने सारे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं फिर भी इसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो किसके पास जाना चाहिए वो भी हमें बताओ जरा, ताकि हम समझ पाए कि हमारी लाइन कहाँ पे खराब है, कि हम अपना रास्ता कौन सा पकड़े, ताकि ये समस्या जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। क्योंकि इतने पैसे सबके, और ऐसा नहीं है एक घर में, सब घरों में हो रहा है ऑलरेडी। इतने लोग हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स की फीस इतनी लगा चुके हैं कि अगर ये चीज हमारी पहले सुन ली जाती, पहले अगर समाधान निकला जाता, तो इतने परेशान लोग नहीं होते। आज पानी के लेके यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या क्या परेशानियाँ हो रही है पानी के लिए? पानी के लिए परेशानियाँ वही है कि कॉलोनी में करीब हर घर से करीब करीब कोई ना कोई बीमार हुआ है, और हर एक की ये परेशानी हो रही है। हम जिस दिन से भी हमें समस्या आई है, जो हमारी आरडब्ल्यू है उसमें साहब प्रधान हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हम लगातार एमसीजी में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। उनके बंदे एक दिन आए भी हैं, यहाँ से कई सारे सैंपल लेके भी गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय चाहिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। और आज ये भी हमने लेटर जॉइंट कमिश्नर जी को हमने दिया था, जिस पे सबने साइन भी किए थे, ये भी है साइन किए थे। और इसके पीछे भी जी कंप्लेन किया, उसके बाद क्या कहा उन्होंने? उसके बाद यहाँ पर टीम आई थी, उन्होंने कहा कि हम आपका 2 दिन के अंदर समाधान कर देंगे, और ये 21 तारीख की घटना है। उसके बाद में कोई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, उनको फोन कर रहे हैं ये अभी तो।